हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी साइंस टेक। सो जिस क्वेश्चन की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मैं आपको सजेशन दे रहा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूरे गेट एग्जामिनेशन के पेपर में जो भयानक वाला क्वेश्चन डाला गया है आपके स्पीड पे ब्रेक लगाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए, उन्हें आपको जज करना पड़ेगा, उन्हें आपको समझना पड़ेगा, उनसे आपको हाथ जोड़ के आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको सबसे लास्ट में करेंगे। कॉन्फिडेंस बचाए रखना है, लास्ट तक ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन फिर देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन आपको बोल रहा था, द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स सिग्नल इन हर्ट्ज बिलो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी विद इन यूजफुल मिड बैंड रेंज ऑफ मेजरमेंट फॉर विच द गेन एम्पलीट्यूड इज लेस देन 1.05 अप्रोक्सीमेटली। सब समझाऊंगा, सब फ्रिक्वेंसी ये वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी कहानी में ये आपके किरदार हैं, आपके पास ई है, आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, केबल का कैपेसिटेंस है, इसका रेजिस्टेंस नेगलिजिबल बोलने को कहा गया है, आर ए यानी कि एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस जो है 10/6 ओम है, उसका गेन इतना है, बैंडविड्थ इतना है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट से इसकी शुरुआत करता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा, है ना। और वैसे भी जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल या पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर के जो क्वेश्चंस है जिसमें पक्का आपका एम्पलीफिकेशन और ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, उसकी सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट इन्वॉल्व है, उसमें ओपन वो ये सब इन्वॉल्व है, तो आपका पहला टास्क रहेगा आप इक्विवेलेंट सर्किट से शुरू करेंगे। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर क्या है इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बराबर ना। चलिए तो फिर सर, सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट की जब भी बात होती है, सबसे पहले बंदा आता है दैट इज द चार्ज, बराबर ना। ये चार्ज है जो कि डेवलप्ड है ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ व्हाट, टेल मी, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ओके ना। चलिए तो फिर दूसरा जो कंपोनेंट हम शो करते हैं दैट इज नथिंग बट द सीपी, बोले तो कैपेसिटिव, आपका कैपेसिटेंस ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसको क्या लिख लूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ मैं सीपी। व्हाई दिस इन पैरेलल, ऑलरेडी डिस्कस्ड, कहाँ पे, इक्विवेलेंट सर्किट पे। नाउ इसका लीकेज रेजिस्टेंस भी उसने दिया हुआ है ना, तो इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट इज द लीकेज रेजिस्टेंस, कहाँ है भाई साहब, लीकेज रेजिस्टेंस नहीं है क्या, शायद नहीं है, देखना पड़ेगा लीकेज रेजिस्टेंस क्वेश्चन में। लीकेज रेजिस्टेंस नहीं है, बट इन जनरल कौन सी रेंज में रहता है, 10^10 और 13 वाली रेंज में है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाया सिर्फ शो करने के। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास केबल का कैपेसिटेंस आता है जो कि कैसा लगता है, यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है, ये इसका भी हमने आपको कारण बताया है, बराबर ना। दिस इज नथिंग बट द सीसी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका एम्पलीफाइंग स्टेज आएगी, और एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस है ना, एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है 10^6। ये पूरा एम्पलीफाइंग स्टेज है, एम्पलीफाइंग स्टेज है, ये एम्पलीफायर है आपका, एम्पलीफाइंग सर्किट है जिस पर कि इनपुट जो है ना वो 10^6 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा वो उस पर इनपुट है ना, वी इन है इस पर, बराबर ना। चलिए अब यहाँ से ये एम्पलीफाई जो आउटपुट करके दे रहा है ना, वो 3 times ऑफ जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना, उसका 3 times, क्यों 3 times, बिकॉज गेन इज मेंशन। गेन का मतलब ये कि एम्पलीफायर में आप इनपुट दोगे ना, तो वो उसको 3 times बढ़ा के देगा। मतलब आप यदि यहाँ के आउटपुट की बात कर रहे हो, यदि आप इसको वे आउटपुट लिख रहे हो, तो ये 3 times ऑफ वी इन होगा, 3 times ऑफ वी इन होगा। ये एम्पलीफायर का अंदर वाला सर्किट है, ये एम्पलीफायर का सर्किट है जी, बराबर ना। इतनी बेसिक सी चीजें आपने क्रैक कर ली, एग्जामिनेशन में आया पहली बार में, तो आप अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात मानी, आपने क्वेश्चन नहीं किया, छोड़ दिया, सबसे लास्ट में आपने सब मैक्सिमम क्वेश्चन बना लिया, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने साल भर जो मेहनत करी है उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है,
यू आर एंजॉइंग द एग्जामिनेशन, लास्ट में इस क्वेश्चन पे आए और अब आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि नहीं इसको मैं फोड़ दूंगा, इसको मैं क्रैक कर दूंगा, तो आप क्रैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। चलिए, तो आपने ये सब कर लिया, अब वो आगे क्या कह रहा है? सर वो ये सारे डिटेल दे रहा है, जीटा दैट ये वो, और पूछ रहा है हमसे कि आउटपुट जो है ना, आउटपुट और इनपुट का कुछ रिलेशन भी है और एम्पलीट्यूड और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने को वी नॉट, ऑब्वियसली बात है, वी नॉट की वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले तो वी इन चाहिए। क्या चाहिए जी? वी इन चाहिए। तो वी इन क्या है? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रही है ना। तो सबसे पहले इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम थोड़ा रिजोल्व करते हैं। ये सी पी और ये सी, ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना, पैरेलल हो गए, तो इनका एक रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये मैंने बना दिया रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, और रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सी पी प्लस सी सी होगा, बराबर। तो इसको मैंने मान लिया सी। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? देखो जरा ध्यान से, 10^6 गुणा 10^10 डिवाइड बाई 10^6 प्लस 10^10, बराबर। अब देखो 10^6 गुणा 10^10 डिवाइड बाई 10^6, इफ यू टेक आउट, सो 1 + 10^4 यहाँ पे बचने वाला है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 10^4 प्लस 1 ऑलमोस्ट 10^4, और ये इक्विवेलेंट टू 10^6 ही होगा। मतलब कुल मिला के जो एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस वही बच जाएगा, बाकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कितना है? 10^6, ठीक है, 10^6 है जी, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है, दैट इज नथिंग बट द वी इन, ठीक है, बराबर। अब ये है चार्ज, अब यहां से यदि करंट निकला होता तो वो करंट की वैल्यू क्या होती? वो होती ही dQ by dt। इसमें करंट क्या जा रहा है? सर मान लिया IC। इसमें करंट क्या जा रहा है? सर मान लिया IR, है ना। V in की वैल्यू क्या है कोई पूछे तो? सर V in की वैल्यू है IR गुना 10^6 वोल्ट, ये ठीक है ना जी। आई गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो जरा, मैं यदि आई आर को निकालना चाहूं, क्योंकि आई आर को यदि पुट कर दोगे तो वी इन आ जाएगा। आई आर जो है दैट इज नथिंग बट, कोई बताएगा मुझे? यस, यदि ये टोटल करंट आई है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू आर, सो दिस माइनस दिस, बराबर ना, ये आपके R की वैल्यू है। नाउ कोई बताएगा कि ये I की वैल्यू कितना है? सर ये है dQ by dt, ठीक है, और इस IC की वैल्यू क्या है? ये है dV by dt, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? इसके अक्रॉस वोल्टेज V in ही है, ध्यान रखिएगा, V in ही है। तो ये आपसे IR की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बराबर। ये आई आर की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में रख दें तो क्या आता है? जरा ध्यान से देखिए, वी इन इज इक्वल टू dQ by dt, आउटसाइड में 10^6 है ही, ओके, प्लस सी dV in upon dt। नाउ ये सी कौन सा है राजा? ये टोटल रिजल्टेंट जो सी है, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट, तो देखें जरा इसका रिजल्टेंट क्या आता है। ये है 10^-9 और ये है 10^2 इंटू दिस, सो दिस इज नथिंग बट 3 × 10^-9, इन दोनों का समेशन, ये है आपका सी, बराबर ना, ओके। अब मैं वी इन का रिलेशन यहाँ से क्यू के साथ क्रिएट कर पाऊंगा, बराबर ना। इनपुट क्यों है भाई? ये चार्ज है। इस इनपुट का V in के साथ रिलेशन, और एम्पलीफायर का आउटपुट V नॉट इक्वल टू 3 × Vn, मतलब इस V नॉट में और इस Q में मैं रिलेशन क्रिएट कर पाऊंगा। क्यों कर रहा हूँ देखते जाइए जरा। सो दिस इज नथिंग बट V in S इज इक्वल टू 10^6, ये हो जाएगा
एस इंटू क्यू एस प्लस सी, और ये हो जाएगा एस इंटू वी आई एन, बराबर ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहां देखो जरा, यदि आप इसको लिखते हो वी इन एस और इधर से आप कॉमन लेके आते हैं 10^6 गुणा सी एस वी इन, इधर बचेगा 10^6 गुणा एस गुणा क्यू एस, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, और वो ये है कि ये माइनस साइन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस अब यहाँ पे आप कर ही लेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, बराबर ना, प्लस आएगा ना। वी इन कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, सो वी इन जो है कॉमन आ जाए, वी इन एस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 10^6 गुणा सी एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10^6 गुणा एस और ये क्यू एस, वी और क्यू का रिलेशन, सो दिस इज नथिंग बट वी एन वी इन एस एंड दिस इज क्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 10^6 एस 1 + 10^6 इंटू सी एस, बराबर ना। यदि इसको 1/c से, इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं और c से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाए, ये r की वैल्यू है ना rc, और ये भी rc है, तो आप समझ गए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ s और ये 1 + टाउ s और साथ में 1/c है वो है ही, तो रिलेशन आ गया किसका, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, रिलेशन आ गया किसका आपका v in और q का, है ना। तो अब आउटपुट यदि वी नोट की यदि कोई बात करेगा तो आराम से मैं दे पाऊंगा ना उसको, वी नोट की यदि कोई बात करेगा सो वो हो जाएगा 3 times of v in s, सो 3 times of tau s डिवाइड बाई 1 + tau s गुणा 1/c जो है वो है, बराबर सारी वैल्यू भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या है, हाँ जी इट एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगा रहे हो तो दो ही मत एग्जामिनेशन, मत दो एग्जामिनेशन, सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन है द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स सिग्नल इन हर्ट्ज बिलो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी विद इन यूजफुल मिड बैंड रेंज मेजरमेंट फॉर विच द गेन एम्पलीट्यूड इज दिस, तो रिलेशन यार, रिलेशन जो है ना ये आउटपुट वी नॉट और इस क्यू में नहीं हो रहा है, रिलेशन तो वो इनपुट फोर्स में बात कर रहा है ना, तो फोर्स के हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा फिर। इट्स लाइक कि क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पे आपने फोर्स लगाया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस पे चार्ज आया, इस चार्ज को मेजर करने के बाद आपने वी नॉट जनरेट किया, अभी जो आप कर रहे हो कि इस वी नॉट का इस क्यू के साथ रिलेशन देख लिया आपने, इस वी नॉट का क्यू, लेकिन सिस्टम बोल रहा है इस क्यू के साथ रिलेशन नहीं, इस एफ के साथ रिलेशन लेके आओ, इस एफ के साथ रिलेशन लेके आओ, तो एफ के साथ रिलेशन वी नॉट का इन दोनों में फिर वो आगे बढ़ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, इस टाइप से कुछ बातें कर रहा है। तो सर क्यू और एफ का रिलेशन है, वी नॉट और एफ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्यू और एफ का रिलेशन है, तो क्यू और एफ का रिलेशन दीजिए, ठीक है, क्यू और एफ का रिलेशन देखेंगे। तो भैया इनपुट जो फोर्स है, कहा ना मैंने एक्सेलरेटिंग फोर्स है, वाइब्रेटिंग फोर्स है, डायनेमिक फोर्स है, तो डायनेमिक यदि एक्सेलरेशन ही मान लिया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, d²x/dt² एक्स इज द इनपुट डिस्प्लेसमेंट, एक ही यदि बात करूं तो s² x इनपुट डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना, गॉट द पॉइंट ना, या वाइब्रेटिंग फोर्स के टर्म में भी बात करूं तो ये सेकेंड ऑर्डर रिलेशन क्रिएट करता है किसके साथ, इस q का रिलेशन जो f के साथ होता है ना, वो सेकेंड ऑर्डर रिलेशन है, कौन सा ऑर्डर रिलेशन है, सेकेंड ऑर्डर रिलेशन है। क्यों है ये सेकेंड ऑर्डर रिलेशन, कोई बता सकता है, व्हाई नॉट द डायरेक्टली लीनियर जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि f जो है ना ये वाइब्रेटिंग है, डायनामिक है,
नाउ वाइब्रेशन या एक्सेलरेशन की बात करूं, सो इस क्यू का इसकी इनपुट क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिसे फोर्स कॉज हुआ, यदि उसकी बात करूं तो ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर नेचर का है, ठीक है। या फोर्स को एम ए लिखूं, एफ इक्वल टू एम गुणा ए करूं, तो फोर्स एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ना भैया। ना एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट से सेकेंड ऑर्डर है ना, इनपुट क्वांटिटी यदि डिस्प्लेसमेंट से बात करूं तो इस चार्ज और इस क्वांटिटी में भी सेकेंड ऑर्डर नेचर हो गया ना, तो कुल मिला के क्यू और एफ में सेकेंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है। तो यदि सेकेंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है, यदि सेकेंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है तो क्यू और एफ का रिलेशन जो है ना वो कैसा हो गया, क्यू गुणा, देखते जाइए ध्यान से, क्यू और एफ में रिलेशन दिस इज नथिंग बट दिस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का मैं आपको लिख रहा हूं, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का ये पूरा तरीका आप समझ रहे हो, साथ में मैंने इसकी सेंसिटिविटी का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ओवरऑल आप एक गेन के भी यहाँ लिख सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं एग्जामिनेशन में, खोपड़ी इतनी चल भी गई, इतनी खोपड़ी चला भी ली, तो अभी आंसर निकालना बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्यू का रिलेशन आ गया, और ये जो है ना V नॉट और Q का रिलेशन, V नॉट बाई Q इज इक्वल टू इतना है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो रिलेशन है इसमें QS मिसिंग है ना, आप देखना यहाँ से सिर्फ VN की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा माजरा जो भी है इसमें QS का गुणा भी है साथ में ना, तो यहाँ भी QS आ जाएगा, यहाँ भी QS आ जाएगा ना। तो Q की जो रिलेशन है वो है F के साथ कुछ ऐसी, यानी कि QS इज इक्वल टू क्या है, D ओमेगा N स्क्वायर S स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा N S प्लस ओमेगा N स्क्वायर गुणा F ऑफ S। नाउ इस Q की वैल्यू यदि यहाँ रख दूँ तो तब जाके V नॉट में और इस फोर्स में रिलेशन आएगा, वो क्या है भाई, 3 गुणा टाउ गुणा जे ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस टाउ जे ओमेगा, और साथ में C भी है, इसमें यदि गुणा करोगे आप इसका डी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन छोड़ना है, ये रिलेशन हो गया वी नॉट और एफ एस में, ठीक है जी। हाँ, एफ एस के रिस्पेक्ट में आउटपुट वी नॉट क्या है, ये आ गया रिलेशन। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फोर्स सिग्नल, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फोर्स सिग्नल मतलब इनपुट जो कि ओमेगा है वो इन हर्ट्ज में बिलो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसमें दी ना उससे कम होना, इन यूजफुल मिड रेंज, मिड बैंड रेंज ऑफ मेजरमेंट फॉर विच द गेन एम्पलीट्यूड इज लेस देन 1.05 एम्पलीट्यूड। इसके एम्पलीट्यूड की यदि बात करूं तो हियर इट इज, इसका एम्पलीट्यूड यानी कि इधर भी मोड निकालेंगे, इस पूरे का भी मोड निकालेंगे भैया, सब वैल्यू दी हुई है, टाऊ पता है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ आपको पता है ना, इसकी वैल्यू लेसर इक्वल टू 1.05 रखना है। तो यहाँ से ओमेगा निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है, मेरे पास तो डायरेक्टली अवेलेबल सोल्ड ये इक्वेशन है, तो मैं डायरेक्टली लिखा, मैं खुद माथा पच्ची नहीं करने वाला इसमें। इसकी वैल्यू आ रही है 35 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे हर्ट्ज में पूछा है तो इसकी वैल्यू यू नो वेरी वेल 2πf, मतलब जो आया उसको 2π से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन दिया लिटरली गेट एग्जामिनेशन में, तो इस क्वेश्चन से क्या हमें सीख नहीं मिलती है। अच्छा चलो, आपने बेहद बेहतरीन तैयारी कर ली, अच्छी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली, मेडिजी हो गया, एस अकेडमी हो गया, सुपर टेस्ट सीरीज, सुपर
मेड इजी की सबसे पहले टेस्ट सीरीज लीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, उसके बाद लास्ट में इसके लीजिए। एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज थोड़ी सी भारी होती है मेड इजी से, डायरेक्टली भारी पे भिड़ लिए तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो पहले मेड इजी से, एक मॉडरेट लेवल, उसके बाद एस एकेडमी से, ठीक है। नाउ क्यों? क्योंकि मेड इजी और एस एकेडमी बहुत लंबे टाइम से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते जा रही, तो बेस्ट एक्सपीरियंस है उनको इस मामले में, बराबर ना। कोई इतनी महंगाई वाली चीज़ है नहीं, टेस्ट सीरीज अफोर्डेबल है, तो अफोर्डेबल चीज़ों को तो क्रिएट या ज्वाइन किया ही जा सकता है, बराबर ना। और उसके बाद लिखिएगा जी सेंट्रिक की टेस्ट सीरीज। अब चूंकि हमारी स्टार्टिंग है अभी, तो धीरे धीरे टेस्ट सीरीज बनेगी, इतनी फास्ट नहीं, इसलिए हमने आपको पहले एडवाइस किया मेड इजी और एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज हमें लेना है। तो अब इस क्वेश्चन ने आपको पर्याप्त नॉलेज दे दिया ना भैया, कि भिड़ना नहीं है, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपको डिग्रेड करने के लिए बने हैं उन्हें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। चलिए सर, अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब मेरे से मत पूछना है सोल्व कैसे किया, मैग्नीट्यूड 1.05 से कंपेयर कीजिए, ओमेगा के लिए सोल्व कर लीजिए, मेरे से नहीं हो रहा है आप कर लीजिएगा, मतलब कि आइडेंटिफाई करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोर्स, पहले अपन ने फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स इन हर्ट्ज निकालना है विद इन इट्स यूजफुल मिड बैंड रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच द गेन एम्पलीट्यूड इज मोर देन 0.95। सो इसे 0.95 से ऊपर कर देना भैया, सेम चीज को 0.95 से ऊपर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 160, ये हर्ट्ज में वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी 35,000 हर्ट्ज में आंसर आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, बराबर ना, एफ की वैल्यू है, ये करेक्ट कर लेना है आपको, समझ गए बात को, आ जाएगा समझ में कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एक आसानी से लिया गया है ना, एक आसानी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, टाइम मिले तो उन्हें भी कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा खोपड़ी का, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एक आसानी में जो एकदम यूनिवर्सिटी टाइप डील करते हैं, जो गेट में आते भी नहीं है, बट कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन ले लो, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ गई ना, एक आसानी यदि किए होते ना तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं।